अभी मैं आप सबको दिखाता कि मेरे फ़ोन में मीडिया वाले की सपोर्ट मिलता है और मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ तो कॉल रिकॉर्डिंग की सपोर्ट, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों इसमें आज एक नई अपडेट देखने को मिला है, जिसे आज की वीडियो में आप लोग को इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसमें भी आप लोगों को ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर तो जो कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर्स है वो मैंने यहाँ पर इनेबल कर रखा है और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी तरीके से काम करता है। और अभी जो मैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने वाली आप लोग को हाइपर ओएस की तरफ से देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको ड्राइवर में लेकर दिखाता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं अब आप लोग को हाइपर ओएस की जो यूआई है वो देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं हाइपर ओएस में आप लोग नीचे की तरफ बटन की तरफ जो भी फीचर्स वगैरह है, रिसेंट और कॉन्टेक्ट्स वगैरह, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है। और यहाँ पर जाते हैं हम फोन की सेटिंग में, ड्राइवर की सेटिंग में, तो यहाँ भी आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप इनेबल कर सकते हैं और मैं यहाँ पर किसी भी नंबर पर डायल करता हूँ तो आप लोगों को सभी परमिशन वगैरह दे देना यहाँ पर। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग को जो ये न्यू डायल देखने को मिलता है, ये आप लोग को हाइपर ओएस की तरफ से देखने को मिलता है। इसमें आप लोग को ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल की जो सपोर्ट है वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। और यूआई देख सकते हैं आप लोग को न्यू यूआई देखने को मिलता है। और सेटिंग में जाते हैं आप लोग इस फोन डायल की सेटिंग में, तो कॉल रिकॉर्डिंग में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सपोर्ट मिल जाता है। कॉल नोटिफिकेशन रिकॉर्ड्स कॉल्स ऑटोमेटिक, तो आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप लोगों को इस मॉड्यूल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है तो लाइक टारगेट रखते हैं आज की वीडियो में 50, तो जल्दी से 50 लाइक कंप्लीट करवा दिए। और लिंक आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो इसे इस ड्राइवर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए देख सकते हैं मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखाता हूँ। तो मेरे पास जो डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये शाओमी 12 प्रो देखने को मिलता है। आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 12, 13, 14 कुछ भी आपके फ़ोन में काम करेगा। तो मैं अभी इंडिया वाले रोम पे यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, जाने के बाद सेटिंग में ऐप में जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट ऐप्स में, मैनेज ऐप डिफ़ॉल्ट ऐप्स, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर फ़ोन की जो डायलर है, कॉन्टैक्ट डायलर यूज़ कर रहा हूँ, गूगल डायलर में जो हमें देखने को मिलता है वो मैं यहाँ पर डिसेबल कर चुका हूँ। तो उसके लिए आप लोग अपने फ़ोन को रूट करना होगा, मैं इसमें जाना है और एक फाइल आप लोग को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मॉड्यूल्स में जाएंगे हम लोग, इंस्टॉल फोन स्टोर में जाएंगे और जो न्यू वाली फाइल आपको देखने को मिलता है, न्यू डायलर मैजिक बाई काशी, तो इस फाइल की सारी क्रेडिट इसके डेवलपर काशी को जाता है। तो सिंपली आप लोग इसे अपने फ़ोन में फ्लैश कर देना है मैजिक की मदद से, एक मैजिक मॉड्यूल है। और देख सकते हैं मेरे फोन में एंड्रॉइड 13 डिटेक्ट हो रहा है, तो आपके फ़ोन में एंड्रॉइड 14 हो तब भी काम करेगा, 13 है तो भी काम करेगा, 12 तब भी काम करेगा। तो मैं यहाँ पर रिबूट कर देता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट देकर बता सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन सा वर्सन है, यू आई वर्सन कौन सा है, किस बिल्ड में है और एंड्रॉइड वर्सन आपके फ़ोन में क्या है।